हेलो एवरीवन, सेंट सोल्जर टाइम्स से मैं हूं कोमल और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। यहां पर आज इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं और आज फाइनल है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टीम रहेगी विनर। It's indeed a player for me while presenting a kind of trophies to the winners, because this was a wonderful event organized by our director Dr. R.K. Pushkarna and his team, our manager Kuchi Avadimji, and all the people, those who have contributed in this particular tournament. So I extend my heartiest congratulations to all of you and to my dear Zubair also for all this thing. Umar also, and because he is here as a kind of anchor today, so I am seeing him on a different role. So thank you Umar, thank you so much, thank you everyone. So heartiest my congratulations to the winner team. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट के सर हैं और जो जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। इनकी बदौलत हम ये टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, और उससे बचा सबसे अच्छा मेरी टीम के जो प्लेयर हैं, इन सब ने पूरा सहयोग दिया। कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपना एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि ये टीम गेम है, 11 है, तो टीम गेम के साथ ही हमें जीते हैं। सब ने अपना अपना योगदान दिया, अच्छा किया। पहले बॉलिंग अच्छी की, फिर फील्डिंग अच्छी की, और लास्ट में हमारे वाइस कैप्टन जो अश्विनी, उन्होंने बैटिंग अच्छी किया, और साथ में अपने राकेश भाई और भागीरथ भाई, इन सब ने अच्छी बैटिंग की और इस टूर्नामेंट जीत गए। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि हमने अच्छा करा, टूर्नामेंट विन किया। हाँ जी, बस मेरी और मेरी पूरी टीम ने पूरी कोशिश करी थी कि मतलब कि ये मैच हम जीत जाए, पर चलो कोई बात नहीं, आगे से हम और बढ़िया कोशिश करेंगे, और आगे जब भी टूर्नामेंट होगा हम पूरी कोशिश करेंगे हम जीते। तो मैं अपनी मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सानू मौका दिता कि मेरी पूरी टीम इतने आके खेली, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मैम ने ताड़ियाँ हो जाए बहुत वधिया, तो अगली बार जरूर असं कोशिश करा कि इस टूरनामेंट में जीतीए। इन सेंट सोल्जर क्रिकेट ग्राउंड टूरनामेंट वॉज कंडक्टेड इंटर कॉलेज टूरनामेंट इन विच 9 कॉलेजेस ऑफ सेंट सोल्जर ग्रुप पार्टिसिपेटेड। Today it was a concluding day when the final match was played between Coeducation College and Physical Education College. It was a highly contested match, and the match has been won by Physical Education College. Runners up trophy has been awarded to Coeducation College. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਰ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਹਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਚੈਸ,
कैरम बोर्ड, जूडो, वूशू, कराटे, टाइकवांडो, रैसलिंग हर चीज़ा की सुविधा दी गई है बहुत घट रेटा दे विच। और मैं चाहवांगा अपील करांगा जिन्हें भी कॉलेजेस ने साडे सेंट सोल्जर के अंडर, और मैं अपील करांगा कि जिन्हें भी लोग बाहर के भी ने उन्हां वास्ते भी बहुत वाजिब रेट से बहुत उचित फैसिलिटियां दी गई ने, उन्हां दा आके इत्थे फायदा लो ते अपनी फिजीक नूं होर सुधारो, सेहतमंद बनो। जय भारत। हर बार की तरह इस बार भी बल्लेबाजों ने बहुत किया है कमाल, खास इस मैच में, और स्पेशली जो क्वाड कॉलेज वाले हैं वो रहे हैं रनर अप, और स्पेशली फिजिकल एजुकेशन वाले रहे हैं फर्स्ट, जिसमें आज बहुत सारी कुछ खास बातें सुनने को मिली और बहुत ही प्रेज भी हुई और साथ ही में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम के साथ, खास स्टोरी देखने के लिए कैमरामैन अनुराग के साथ कोमल।